दोस्तों नमस्कार, इंडिया मिट टीवी में आपका स्वागत है। मैं अनूपगढ़ विधानसभा की बात करेंगे। 20 वर्षों से ये कांग्रेस के पास विधानसभा नहीं है, अब पूरा दाव खेला जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना दाव लगा रखा है अनूपगढ़ विधानसभा से। दूसरी बार भरोसा किया है संतोष बावरी की। आज संतोष बावरी की सभा में काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगा, सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता पहुँचे कि अब दूसरी बार भी संतोष बावरी को जिताने में समर्थक पहुंचे। तमाम नेता जो रूठे हुए थे उनको मनाने में कामयाब हुए। ये सभा के अंदर जो बैठे हुए हरनेक सिंह क्लेर, वो अब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। प्रियंका बैलान, पवन कुमार दुग्गल पूर्व विधायक, क्योंकि सीपी हमने एक बार विधानसभा अनूपगढ़ जीती हुई थी, उनका भी खासा इस क्षेत्र में प्रभाव है। अब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं। तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा देखिए तो कहीं ना कहीं भारी संख्या में यहाँ मौजूद है। तमाम नेताओं की जो अब सभा में संबोधन करते हुए कहा कि अब भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार आ रही है, ये आने वाला समय बताएगा, क्योंकि अब राजस्थान में अब फंसता हुआ पेच नजर आ रहा है। अभी कांग्रेस भी इतनी हावी कैंडिडेट सामना कर रहे हैं कि अभी इनके सामने शिमला नायक जी मैदान में उतारे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब टक्कर बराबर की होने जा रही है। दोस्तों, आने वाले समय में जो रुठे हुए नेताओं को क्या मनाने में कामयाब भाजपा हो जाएगी या क्या होगा, ये देखते रहें, बने रहें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मित्रों, यहाँ तभी राष्ट्र भावना तभी यहाँ की मजबूत होगी, यहाँ की जनता मजबूत होगी जब यहाँ राष्ट्र भावना मजबूत होगी। और राष्ट्र भावना तभी मजबूत होगी जब देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सीमावर्ती क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी। संतोष बावरी को बना के लाए तो फिर से धन्यवाद करने जाऊंगा। आज तो 2 बजे का नामांकन का समय है, इसलिए अपनी पार्टी को जल्दी विराम दे रहा हूं। लेकिन जो आज भाषण अधूरा रहा उसको विजय के धन्यवाद के रूप में भाषण को पूरा करेंगे। आप सबके मीटिंग का मौका मिला, जिनका नाम लिया उनका अभिनंदन, जिनका नाम रह गया बहुत बहुत अभिनंदन। भारत माता। ओम प्रकाश जी धनखड़ जी का माल्यार्पण कर स्वागत करेंगे। श्री ओम प्रकाश जी धनखड़ जी जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, हरियाणा गवर्नमेंट के पूर्व कृषि मंत्री और हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सदस्य भी हैं, आज हमारे बीच आए हैं। ये माल्यार्पण ये अनूपगढ़ की जनता की ओर से है। प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में बन रही है।
उसको मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। जीवन भर आपकी सेवा में मैं लगी रहूंगी। आप सबका आशीर्वाद और स्नेह बना रहे। हम सब मिलकर के हमारा लक्ष्य एक ही है, कमल का फूल हमें यहाँ से खिलाना है, माननीय नरेंद्र मोदी जी को जिताना है और अपने अनूपगढ़ के विकास को हमें गति देनी है। आप सबके इस आप सब यहाँ इतनी संख्या में मेरे इस छोटे से आह्वान पर आए हो, इस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आप आए हो, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। ये आशीर्वाद आप बनाए अपने